सुशांत सिंह राजपूत के रूप में हिंदी सिनेमा का एक और सितारा अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मुंबई में भारी बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अंतिम विदाई के वक्त उनके पिता के सिंह, उनकी बहनें बॉलीवुड अदाकारा कृति सेनन, विवेक ओबेरॉय, श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा, कांग्रेस नेता संजय निरुपम, निर्देशक अभिषेक कपूर और उनकी पत्नी प्रज्ञा, वरुण शर्मा, ताहिर राज भसिन जैसे लोग मौजूद थे। लेकिन उनके अंतिम विदाई में उनके घर का एक अहम सदस्य मौजूद नहीं था। 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत हमेशा के लिए शांत हो गए। न जाने ऐसा कौन सा गम उन्हें खाए जा रहा था जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद भी लोगों को अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह अब हमारे बीच नहीं है। वह सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में उनकी एक बहन नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति नहीं पहुंच पाई है। श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए आना चाहती थी, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पाया क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहती हैं, वो US में रहती हैं। वहीं कोरोना के चलते उन्हें इंडिया के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं मिल पा रही। श्वेता सिंह ने फेसबुक पर भी लोगों से मदद मांगते हुए अपनी परेशानी जाहिर की, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली, जिस वजह से उनकी बहन सुशांत सिंह को अंतिम विदाई नहीं दे पाई। सुशांत सिंह राजपूत अपने पीछे पिता और चार बहनों को छोड़कर चले गए। सुशांत की एक बहन नुपुर मुंबई में रहती हैं। सुशांत के निधन की खबर पाकर वही सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। उनके परिवार के कुछ अन्य लोग सोमवार सुबह मुंबई पहुंचे हैं। आपकी बहुत